करीब 2000 लोगों को इस यात्रा को सफल बनाने के लिए हमने डिप्लॉय किया है। कोई भी बीमारी हमने किसी प्रकार का हथियार लाठी डंडा ये चीजें ना लाए। हरियाणा के नूह में रविवार शाम 6 बजे से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। 2000 से ज्यादा जवानों को सुरक्षा में तैनात किया गया है। ये तमाम तैयारियां नूह में सोमवार को होने वाले ब्रजमंडल यात्रा को लेकर की गई है, ताकि कोई अनहोनी न होने पाए। पूरी तरीके से तैयार हैं। करीब 2000 लोगों को इस यात्रा को सफल बनाने के लिए हमने डिप्लॉय किया है, जिसमें सीएपीएफ के जो आरएफ कंपोनेंट है, उसके अलावा आईआरबी की 3 कंपनियां, 3 जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर कंपनियां जो हमें रेंज से मिली है वो, और सारे जिला पुलिस। तो इसमें हर प्रकार से जो नई टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी को हम यूज करेंगे, जो कि आसमान जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके थ्रू हमने कॉम्बिंग भी कराई है। आज भी पूरे रूट को हम कॉम कर रहे हैं, उसके थ्रू वीडियोग्राफी कर रहे हैं। नलन मंदिर और उसके आसपास का एरिया है, उसका भी हमने वीडियोग्राफी कराई है। इसलिए गुरुग्राम से लेकर नूह तक चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले ही नजर आ रहे हैं। दरअसल हरियाणा के नूह में सोमवार को ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली जाएगी। इसके मद्देनजर हरियाणा सरकार के गृह विभाग की तरफ से एहतियातन कई कदम उठाए गए हैं। नूह में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। गृह विभाग ने 21 जुलाई शाम 6 बजे से 22 जुलाई शाम 6 बजे तक इंटरनेट पर पाबंदी लगाने का आदेश दिया है। इस दौरान बल्क मैसेज पर भी रोक रहेगी। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए 2000 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के साथ ही अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही ड्रोन से यात्रा की निगरानी की जाएगी। अरावली पर्वत में भी हरियाणा पुलिस के कमांडो द्वारा सर्च अभियान चलाया जाएगा। डॉग स्क्वाड के अलावा घोड़ा पुलिस भी संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहेगी। 23 जगह हमने कुल मिलाकर बड़े और छोटे नाके रखे हैं, और सख्ती से इन नाकों पर वीडियोग्राफी होगी और सख्ती से चेकिंग भी होगी, जिसमें इंश्योर किया जाएगा कोई भी भारी हमने किसी प्रकार का हथियार, लाठी डंडा ये चीजें ना लाए, ताकि जिले की सुरक्षा है वो उसको सुरक्षित किया जा सके और पूरे अमन चैन से यात्रा सफल की जा सके। इन तैयारियों के साथ ही गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248 पर भारी वाहनों पर यात्रा के दौरान रोक रहेगी। भारी वाहनों को ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा समाप्ति के बाद ही नूह आने के लिए कहा गया है। एडवाइजरी के मुताबिक ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान भारी वाहनों का नूह जिले में प्रवेश वर्जित रहेगा। सुरक्षा के मद्देनजर गुरुग्राम में भी पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। गौरतलब है कि पिछले साल ब्रजमंडल यात्रा के दौरान नूह में बवाल हो गया था। 31 जुलाई को भड़की हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। नूह से शुरू हुई यह हिंसा राज्य के कई और इलाकों में भी फैल गई थी।